बिजनौर में पिछले दो माह से वेतन न मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समस्या का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल बिजनौर जिला अस्पताल में तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मचारी जिला अस्पताल परिसर में इकट्ठा होकर पिछले दो माह से वेतन न दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सरकार और जिला प्रशासन से जल्द अपने वेतन की मांग की है, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया। पिछले मई की तनख्वाह नहीं मिली है, जून बीच गया, आज 28 तारीख हो गई है, जून की भी कोई अभी तनख्वाह का नहीं है। लखनऊ बिल जाते हैं तो लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा का जो महानिदेशक है कौन है हम नहीं जानते, हमें ज्यादा नहीं पता। वो साइन जब जाते हैं तो वो साइन ही नहीं करती, दो तो तीन तीन दिन वहाँ पड़े रहते हैं जो भी अधिकारी है। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, इनको भी कोई तनख्वाह उनख्वाह से मतलब नहीं है। CMS साहब है, इनको भी तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है। किसी की किस्त जाती है, किसी का कुछ होता है, हम लोग बड़े परेशान हैं। सरकार हमारी बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता खुश है। लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं विभाग के, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, ये प्रिंसिपल जो है और जो CMS साहब है, ये कोई हमारे। आज आप सब लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे अपना विरोध करें, जिससे हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक हमारी बात पहुंचे। सरकार तक बात पहुंचाने का एक यही तरीका था। कितना समय तक आपकी सैलरी नहीं मिली? दो महीने से, अभी एक तो मई की हो गई, एक जून की हो गई, दो महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। हम ये अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे और ये किस ढंग से पहुंचेगी, ये एक मीडिया ही माध्यम है जो हमारी बात वहां तक पहुंचे। ये सब हमारे अधिकारियों की गलती है और किसी की नहीं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, हम सरकार से बहुत खुश हैं। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।